हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत एंड यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जस्ट टैप एंड वॉच। आज मैं पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में बात करूँगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। 35 साल बाद आज यानी 31 जनवरी 2018 को नीली रोशनी वाला ब्लू मून पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखा। बिना किसी उपकरण के इस खूबसूरत दृश्य को देखा गया। यह ग्रहण अपनी नीली रोशनी के कारण काफ़ी दुर्लभ था। एशिया में इससे पहले 30 दिसंबर 1982 को नीली रोशनी वाला ऐसा खूबसूरत चंद्र ग्रहण दिखा था। वहीं अमेरिका में यह 152 साल बाद दिखने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 3 महीनों में खास है। इसके 3 टाइप हैं, सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून। सुपर मून मीन्स चांद और धरती के बीच आज सबसे कम दूरी होगी। ब्लड मून मीन्स पृथ्वी की छाया जब चांद को पूरी तरह से ढक लेती है और सूर्य की किरणें धरती के वायुमंडल से होकर चांद तक पहुंचती हैं, यह चांद पर लालिमा बिखेर देती है। इस कारण चांद लाल हो जाता है, जिसके लिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। ब्लू मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त चांद की निचली सतह से नीले रंग की रोशनी बिखरती है, इस कारण उसे ब्लू मून कहा जाता है। 27 जुलाई 2018 को अगला चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन वह पूर्ण चंद्र ग्रहण और नीली रोशनी वाला नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि यह दुर्लभ नज़ारा कहां कहां देखा गया। पूरे उत्तरी अमेरिका, प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया, रूस के पूर्वी भाग, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में यह दुर्लभ नज़ारा देखा गया। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा दृश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया में दिखा। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा दृश्य भारत से दिखने वाला था, इसलिए जापान के वैज्ञानिक नैनीताल से सुपर ब्लू ब्लड मून का अध्ययन करने भारत आ गए। इसके लिए जापान और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आर्यभट्ट शोध एवं प्रेक्षण विज्ञान संस्थान एरीज पहुंच चुके हैं। एरीज के निदेशक डॉक्टर अनिल पांडे ने बताया है कि चांद के प्रकाश के अध्ययन की नई पोलेरीमीटर तकनीक का परीक्षण एक ही समय पर जापान और नैनीताल में किया जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को अब ज्योतिष विज्ञान की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। तो इस चंद्र ग्रहण से कुछ राशियां जो वृष, कन्या, तुला, कुंभ मीन्स टेरस, वर्गो, लिब्रा और एक्वेरियस राशि के लोगों को ये चंद्र ग्रहण बहुत शुभ है। एंड फाइनली आई वांट टू से दैट मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एम ये था कि कुछ लोग जो अपने पर्सनल वर्क, ऑफिस वर्क या किसी भी वजह से इस दुर्लभ नज़ारे के पूर्ण चंद्र ग्रहण को नहीं देख पाए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो शूट किया। और कुछ बातें जो कि मैंने इसमें बताई हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नज़रिए से स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जस्ट टैप एंड वॉच। थैंक यू।